कोटुरा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त विनोद, और आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले बनासकांठा जिले की दांता तहसील के कुवारसी आश्रम के अंतर्गत एक पत्रकार जो है वो रिपोर्टिंग के लिए गए थे और उनके साथ हमला हुआ। आइए, अब जो पत्रकार है वो हॉस्पिटल में है, पालनपुर सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था, वहाँ क्यों गए थे, और आखिर हॉस्पिटल में अब पहुँचे हैं तो आगे की क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। नमस्कार, आपका सुनना कुलदीप शर्मा। सर, जैसा कि आप के साथ ये हादसा हुआ, इस हादसे के बारे में जानना चाहेंगे। हादसे में ऐसा है कि एज ए रिपोर्टर मैं KV9 के लिए काम करता हूँ और पूरा डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ। मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आदिवासी जो बच्चे हैं जो आश्रम चलाना पड़ते हैं उनके लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। तो इसी के हिसाब से मेरे मेरे जो हमारे एडिटर हैं उनसे भी बात करके मैं अप्रूवल लेके ये स्टोरी करने गया था। वहाँ एक आश्रम में हमने स्टोरी भी की, वहाँ पर बच्चों ने बताया कि जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए ऐसी नहीं मिलती। और एक आश्रम की स्टोरी से हम पूरी स्टोरी को गेस नहीं कर सकते, इसलिए हमें दूसरे आश्रम को ढूंढा कर लेने का सोचा। तो नाता के पास जो कुमारसी आश्रम चाहिए गाँव वहाँ गए थे। तो उन्होंने जैसे ही हमारा कैमरा देखा, कैमरा बंद करा, उन्होंने कहा कि आप पहले आचार्य श्री को आने दीजिए, उसके बाद आपको दो काम करेंगे। ठीक है, मैंने कहा आचार्य श्री आएंगे तो काम करें। उसके बाद थोड़ी देर में मारपीट और बुरा पर हमने किया और कोई इस तरह से नहीं देता। तो उसके बाद आप अभी फिलहाल हॉस्पिटल में हैं, पुलिस के जरिए अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? मैंने FIR दर्ज करवाई है, जो मेरे साथ हादसा हुआ था जी वो पूरा मैंने FIR में लिखा है। अभी पुलिस ने उन पर कार्रवाई पुलिस की चल रही है, और पत्रकार में ऐसी मांग करूँगा कि ये मेरे पर नहीं पड़ा बल्कि पूरे पत्रकार समाज पर ही होगा। तो पुलिस ने जो दोषी है कड़क उनको सख्त से सजा ऐसा मांग जी। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कुलदीप शर्मा, जिनके साथ जो हादसा हुआ था आपने सुना। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने वाले हमारे जितने भी साथी मित्र हैं, दोस्त हैं, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं और उन जिम्मेवारी अधिकारियों तक पहुँचाएं, ताकि हॉस्टल का भी अच्छे से चेक हो और जो खराब वातावरण चल रहा है हॉस्टलों में वो भी सुधरे। और साथ ही साथ में पत्रकार बंधु जो है कुलदीप परमार और ऐसे जिन पत्रकारों के साथ हादसे होते वो हादसे ना हो और समाज में बेहतर करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश भी कामयाब हो। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार।